तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया इंडियन गेम का गेम प्ले वीडियो। हाँ, जो ये सामने देख रहे हो वो उसी गेम का गेम प्ले वीडियो है, ठीक है। इस गेम का नाम है जोश ट्रिगन प्रोटोकॉल। ये थोड़ा पहले अनाउंस हुआ था, मतलब भाई जो जो बताया, जो दिखाया वो है ही नहीं गेम में। देख सकते हो ये मल्टीप्लेयर शूटर गेम है, लेकिन भैया सच में हो यार, क्या गेम है भाई। एक तो इसकी स्प्रिंटिंग ठीक नहीं है, ठीक है, स्प्रिंटिंग इसकी ठीक नहीं है। इसको 5 लोगों की टीम ने बनाया, इसको पूरी कोई डेवलपमेंट टीम ने नहीं बनाया, 5 लोगों की टीम है। एक लाइव स्ट्रीम इन्होंने की थी तो उसमें सुना था 5 लोगों की टीम है भाई। ये अल्फा के गेम प्ले दिखा रहे थे वो क्या लेवल के थे, और ये क्या है भाई। ऐसा लग रहा है वो उसी गेम को थोड़ा और तोड़ मरोड़ के, और मतलब तोड़ मरोड़ के दिया है, क्या है भाई। और ये गेम एक्चुअल में इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ प्लेयर्स, ये लोगों से कौन बोलता है भाई जितना बड़ा इन्होंने बोला है। इनका अगर आप ट्रेलर देखे, आओ मैं आपको उसका ट्रेलर भी दिखाता हूँ। इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेलर भी आया था, आइए वो देखते हैं। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक झूठ की बात की थी कि इन लोगों ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब वो क्या मैं बताता हूँ, आपने ये जो अभी मैंने आपको ट्रेलर दिखाया उसकी स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, शुरुआत में अनरियल इंजन का लोगो आया था, ठीक है। अनरियल इंजन का लोगो मतलब गेम इंजन अनरियल इंजन है, मतलब गेम को अनरियल इंजन पर बनाया है। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करते हो तो शुरुआत में मेड विथ यूनिटी ये क्यों आ रहा है बताओ मेरे को। हमको क्या इतना बड़ा येड़ा समझा, हमको समझ में नहीं आएगा। ये गेम यूनिटी इंजन पे बनाया और अनरियल इंजन पे बनाया, ऐसा झूठ बोला क्यों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर बेस को गेन कर सके। अनरियल इंजन ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर हाई ग्राफिक्स मोबाइल गेम बनते हैं, जैसे कि हमारा पबजी कह लो, BGM अपना न्यू स्टेट मोबाइल, ये सब, और वो क्या बोलते हैं वो Farlight 84, ये सारे गेम्स अनरियल इंजन पर बनाए गए हैं और उनके ज़्यादा ग्राफिक्स हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, अनरियल इंजन का नाम लेके अपने गेम की मस्त से पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे और ये करेंगे। एक्चुअली में इनका प्लान कुछ अलग ही था, ये Season 1 है ही नहीं, ये क्या है भाई, सीधा मल्टीप्लेयर, ये क्या है। इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था पता है, इन्होंने खुद लाइव स्ट्रीम में कबूल किया था कि शुरुआत में ये एक स्टोरी मोड डालेंगे, स्टोरी बेस्ड कैंपेन मोड होगा पहले सीजन में, वो जो मल्टीप्लेयर की स्टोरी सेट करेगा। ये क्या डायरेक्ट मल्टीप्लेयर ही है, कोई Season 1-2 नहीं है, ठीक है। ये सीधा 15 अक्टूबर को रिलीज़ किया है इन लोगों ने, रविवार को, इतवार के दिन इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया। क्या भाई, APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर ये सत्यानाश प्ले स्टोर पर डालने की ज़रूरत थी। इसको देख के मेरा क्या, आपके मन में भी यही बात आ रही होगी कि ये तो टट्टी है। देखो मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहता। इंडियन गेम है, इंडियन गेम है तो इसका मतलब कुछ भी बेचोगे, हाँ, लेकिन फौजी से तो बेहतर ही है। फौजी का पोस्टर बनाया गन के साथ, दिया क्या कुल्हाड़ी, इसमें तो वो भी नहीं किया, मल्टीप्लेयर ही बोला था और मल्टीप्लेयर ही आया, वो अलग बात है, थोड़ा बकवास आया। ऐसा लगता है कि किसी ने COD को मोबाइल पे बनाने की कोशिश की है, क्या भाई ये क्या है, कौन करता है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी अकेले बंदे ने, ठीक है, एक अकेले बंदे ने COD की जेरोक्स कॉपी बनाने की कोशिश की। मैं अभी ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, साला फेंक भी नहीं रहे, ये कौन सी एनिमेशन है भाई। और ये चाकू देखो, मैं मानता हूँ कि वहाँ यार 5 जनों की टीम है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुमसे किसने कहा था सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लेयर पे कूद पड़ो। मेरा मानना यह है कि पहले खुद का बेस पक्का करो,
क्योंकि पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे से सब कुछ चीज़ें नहीं होती, और उनको पैसे की भी ज़रूरत है। ट्रिगन मोबाइल का एक यूट्यूब चैनल है, 131 व्यूज़ है, ये क्या सॉरी व्यूज़ नहीं सब्सक्राइबर्स हैं, 130 क्या कुछ। वो भी एक गेम बना रहे हैं मल्टीप्लेयर, वैलोरेंट जैसा होगा वैलोरेंट, ठीक है। उन्होंने एक वीडियो भी डाली थी, पहले भी एक वीडियो डाली थी, बोला था बैटल रॉयल इसके अंदर ऐड करेंगे और लास्ट में हमसे पैसे की भीख मांगी। बैकग्राउंड की वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं घर में इतना पूजा पाठ क्यों करते हैं, ये सारा धुआं मेरे मुंह में घुस रहा है। अरे भैया कितना धुआं करोगे, इतने धुआं मत करो यार। हाँ तो मैं कहाँ पे था कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। अरे ऐसा झूठ बोलोगे तो भाई कोई कभी भी किसी भी इंडियन डेवलपर पे विश्वास नहीं रखेगा। मत करो इतना व्यूज़ फेम के लिए, ऐसा चीज़ें मत करो भाई। हमको बोला अनरियल इंजन पे गेम बना रहे हो, और ये बनाया किस पे, यूनिटी पे, क्यों झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, सीधा सीधा बोल देते। इसके कुछ खबर भी नहीं कि हाँ हम अनरियल इंजन से शिफ्ट कर रहे हैं और यूनिटी पे डाल रहे हैं। एक दूसरा एक अनडेवलप्ड पीसी गेम है, क्या बोलते हैं वो, मुंबई गलीज, उन्होंने सीधा सीधा बोला था उन्होंने पहले अनरियल इंजन 4 पे ट्राई किया और फिर लोगों के कहने के बाद अनरियल इंजन 5 पे शिफ्ट भी कर दिया। वो बता भी दिया कि हमने अनरियल इंजन 5 पे शिफ्ट किया। ये कौन बताएगा, गेम इंजन बदल दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मालूम है हमको ज़्यादा गेम डेवलपमेंट का समझ भी नहीं आता, लेकिन छोटा मोटा थोड़ा तो बता देते भाई, छोटा मोटा तो बता देते। ये बताने का कष्ट किया कि अनरियल इंजन पे गेम बना रहे, तो ये भी बताने का कष्ट कर लेते कि यूनिटी पे गेम शिफ्ट हो गया है, वो नहीं बताया। और गेम में बस यही चीज़ है, 10-12 घंटे ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहो, कोई किल स्ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लेयर प्लेयर तो है ही नहीं इसके अंदर, प्लेयर किधर है, सारे के सारे बॉट्स है। गोली जो मार रहा उसको आधी लग नहीं रही है। इसके अंदर कंट्रोल कस्टमाइजेशन, स्प्रिंटिंग, स्मूथ एनिमेशन कुछ ही नहीं है। किल फीड है, एक मैप है, उधर अपना बस लड़ रहे हैं। एडियाज भी नहीं है इसके अंदर, एम पे रखा हुआ है। मैंने पूछा था, बोला था हम लोग, मैंने भी पूछा था एडियाज क्यों नहीं है, इन्होंने गेम प्ले डाला था तब, उन्होंने बोला कि नहीं उस पर चर्चा चल रहे, विचार विमर्श चल रहे, पाँचों के अगर विचार एक साथ हुए तो हम इसके अंदर एडीएस भी डालेंगे। TPPM है कि वही खेलेगा कोई भाई, गेम इंडियन गेमिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्री का नाम, ऐसे कोई होती भी है क्या इंडस्ट्री, लेकिन भाई नाम खराब कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। चलो इसके अलावा एक और गेम है जो हाल ही में रिलीज हुआ है, उसका नाम आपने शायद सुना नहीं है। आओ आपका इतना मूड खराब कर दिया तो उससे थोड़ा सा मूड सुधार ही देते हैं। तो इस गेम का नाम है प्रोटेक्टर शूटर लेजेंड्स, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, नाम बहुत बड़ा है। एक्चुअली में इसको कह सकते हो एज वेलरेंट या फिर ओवर, किसी ने कमेंट डाला था ओवर वॉच जैसा है, तो शायद वैसा ही कुछ कह लूँ। वेलोरेंट में तो अलग अलग गन से है, इसके अंदर वो भी नहीं है। हमको कुछ अलग अलग करेक्टर्स मिलते हैं इसके अंदर, उनके स्पेशल वेपन्स होते हैं, तो उन वेपन से हमें लड़ना होता है। ये अभी कैप्चर पॉइंट वाला है, तो हमें यहाँ पर क्रिस्टल्स मिलेंगे, हमें वो क्रिस्टल्स कलेक्ट करने हैं। अलग अलग करेक्टर्स हैं, मैंने फ़िलहाल तो सिर्फ दो ही अनलॉक किए, लेकिन इसके ग्राफिक्स देख लो, इसके अंदर एडीएस नहीं है, ठीक है। मूवमेंट थोड़ी सी अलग विचित्र सी है, हाल ही में रिलीज हुआ है, लेकिन इसके अंदर टेलीपोर्टर्स हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। इसके अंदर अलग अलग करेक्टर्स की अलग अलग एबिलिटी है। ये जो आपको गन के साइड में जो ये लाल बटन है जो है वो फायर का है, और वो जो उसके नीचे जो पर्पल वाला बटन दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में मेरी एबिलिटी है। तो इसके अंदर अलग अलग करेक्टर्स की अलग अलग एबिलिटी है, अलग अलग वेपन्स है, जो बड़ा मज़ेदार है। उसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं और एनिमेशन भी थोड़े बहुत तो स्मूद है, इतना परफेक्ट नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा स्मूद है। इसके अंदर बस एक ही चीज़ करनी होती है एनिमी के सामने, दे जिगल। कंट्रोल लेआउट सेट नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको 3 फायरिंग मोड मिलते हैं। पहला तो आप ये जो फायरिंग बटन में जिस तरफ स्वाइप करूँगा उस तरफ ये जो है एम जाएगा, दूसरा ऑटो एम होता है, और वो तीसरा जो मेरे को पता नहीं बकवास लग रहा है इसके अंदर, ये देखो मैंने एबिलिटी स्टार्ट की, इतने सारे सीधा मशीन गन, रिलोड है ही नहीं रिलोड है ही नहीं। तो तीसरा मोड जो है वो मतलब नॉर्मल जो BGMI में फिक्स बटन नहीं होता है फायरिंग का फिक्स बटन, तो कुछ वैसा ही है इसके अंदर, वो पता नहीं क्यों मैंने ये वो मेरे को बेकार लगा।
फायरिंग बटन फिक्स है, मैं इसके अंदर कंट्रोल सेटअप कर नहीं सकता, तो फायदा ही क्या है। वैसे बीच बीच में थोड़ा सा क्रैश तो हुआ है, लेकिन चला तो अच्छा, बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत बेहतर लगा। आपको ये कैसा लगा बताना ज़रूर, और आप चाहे तो इसको खेल भी सकते हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ 500 MB तक का होगा, 500 तक का है, तो आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और ये रहा टेलीपोर्टर, ये जो नीली लाइन दिख रही है वो टेलीपोर्टर है। इसके अंदर स्मोक वाली भी जगह है जहाँ पर आप छुप सकते हैं, मतलब मस्त कैंपिंग होगी, कैंपिंग स्पॉट है। यहाँ पर बस ये अलग अलग करेक्टर्स के साथ अपलोड हो। इसके ग्राफिक्स देख के ऐसा लगता है वैलोरेंट है। और ये कौन सा ग्लिच हो गया अभी, लेकिन जीत गए अपन। आओ मैं आपको इसके दूसरे करेक्टर से भी मिलाता हूँ जो मैंने अनलॉक किया है। ये कुछ डेटा वाला चीज़ है, मतलब डेटा हमको चुराना पड़ता है। तो इसके पास है शॉट गन, तो मैं अभी दिखाता हूँ। मतलब गन चेंज नहीं कर सकते भाया, जो गन है वही है, उसी से लड़ो। भाग कर रहा है, रुक, ये लो गया। इधर मेरा थोड़ा कंट्रोल का सेटअप अलग हो गया, वो ऑटो फायरिंग पे चला गया वो, इसलिए ये सब कुछ हुआ, क्योंकि मेरे को उसका स्टार्टिंग का सीन, इसके अंदर मस्त स्टार्टिंग में कट सीन आता है, वो मैं डाल नहीं पाया क्योंकि गेम में मेरा ये क्रैश हो गया स्क्रीन रिकॉर्डर। मैंने यार क्यों नहीं उसको सेव किया, मज़ा आ जाता भाई साहब। और मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं सेटिंग्स में जाके सिलेक्ट कर सकूँ, लेकिन नहीं कर सकता। गेम के बीच में आप सेटिंग ओपन ही नहीं कर सकते, लीव भी नहीं कर सकते। अच्छा है, अच्छा है, कोई भाग नहीं पाएगा, लेकिन किसी को सेटिंग करना हुआ तो वो भी नहीं कर सकता। अगर कोई डेवलपमेंट टीम में से कोई सुन रहा है तो भाई इसके अंदर थोड़ा कंट्रोल कस्टमाइजेशन वगैरह करो। इधर बस खड़े हो जाओ, और ये हो गए टेलीपोर्ट। कंट्रोल कस्टमाइजेशन करो और सेटिंग का बटन डाल दो ताकि हम इन गेम से कुछ सेटिंग वेटिंग कर सके, वरना भैया हमारी इतनी घटिया सेटिंग हो जाती है। इतने ये देखो कितने बार मर रहा हूँ मैं, ऑटो है, मैं जिधर एम एनिमी पे एम गया तभी मारेगा, वरना मारेगा ही नहीं, वरना पहले मस्त होता था। बस इसके अंदर एक ही चीज़ करो, गलती से भी पानी में कूदना मत, पानी में कूदे तो मारे जाओगे। वैसे अनलिमिटेड स्पॉन है तो ज़्यादा बेटर है। अलग अलग करेक्टर्स की अलग अलग एबिलिटी है, देख लो, शील्ड वाली मशीन गन लगा के बैठे तोड़ो, अरे टूट जा भाई कितने, अरे कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है, लो टूट गई। इसका एनिमेशन भी मस्त है, टूटे हुए टुकड़े। और ये मेरी डैश एबिलिटी, मतलब जाके सीधा ठोक देता है एनिमी को, ये लो गया। आ जा बेटा, तेरे को भी गोली खाएगा, तू भी गोली खाएगा, मर। अरे मेरे को ये क्या कह दिया, अरे अरे मैं स्टन हो गया, स्टन हो गया भाई, मार ही नहीं रहा मेरे को, मार ही नहीं रहा, गया। तू इधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, निकल, मर 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 मर, अबे अबे, अरे 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 पापरे, क्या ग्रेनेड फेंका भाई इसने, इसके कौन सी एबिलिटी है, ये देख लो इसने और कुछ फेंक दिया, गया गया, इसका रोबोट तोड़ दिया मैंने भाई। मैं 1 HP बचा हूँ, चलो HP बढ़ गई, घुसो अंदर, घुसो अंदर, क्या कर रहे हो चचा, क्या कर रहे हो, ये लो मेरी डैश एबिलिटी वापस से चार्ज। आ जा उस साइड जाके देखते हैं क्या हो गया, ये लो मर, जीत गए फाइनली, ये मैच भी हम जीत गए। किसी दिन डालेंगे इसके ऊपर भी 2-4 वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।